Safiya. Safiya name is popular in Pakistan. Really? Yeah. वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग गाइस। आज भी बारिश होने वाली है और ये निस है, बहुत अच्छा शहर है ये सर्बिया का। जो मेरा होस्ट है ना यार, इसका जो रिलीजन है फैमिली का वो है क्रिश्चियन, और इसको इंटरेस्ट है मुस्लिम रिलीजन में, तो ये कुरान भी पढ़ रहा है। तो इसने पूछा कि तेरा क्या रिलीजन है, मैंने कहा कि मेरा तो सिख है भाई। तो ये कह रहा है कि मैंने तेरे रिलीजन की होली बुक कौन सी है, क्या तुम्हारे जो रिलीजन है उसके रूल रेगुलेशन है। तो मैंने इसे बताया कि हमारे रिलीजन में लाइक ये पांच होती हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार। तो इसको काफ़ी इंटरेस्ट हुआ, तो इसने कहा कि मुझे आपके रिलीजन की होली बुक चाहिए। कि मैंने कहा ओके, मैं तुझे PDF भेज दूँगा इंग्लिश में ट्रांसलेटर। आप ये देख सकते हैं, ये कुरान शरीफ पढ़ रहा है। देखो यार, आपको नॉलेज होगी है ना, कोई भी रिलीजन हो उसकी होली बुक पढ़ना, आपको नॉलेज होगी ना, आपको पता होगा उस रिलीजन के बारे में। तो यार लड़ना नहीं चाहिए है ना, नो रिलीजन इज़ बिगर देन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है। हर रिलीजन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, मुस्लिम हो, सिख हो, और चाहे ईसाई हो, क्रिश्चन हो, हिंदू अपने लोग। तो प्यार होना चाहिए यार, सबसे बड़ा रिलीजन मुझे लगता है प्यार। ये देखो, ये इस्तानबुल है, मेरा फेवरेट प्लेस है तुर्की। तुर्की मैं घूमूंगा, तुर्की का इस्तानबुल शहर। मेरी वैसे मेरी वहाँ पर कनेक्टिंग फ्लाइट थी, मैं बाहर नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं था। तो भाई साहब ने यहाँ पर लिखा है नो अल्कोहल। तो ये यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है, मुझे नहीं पता ये लाइक कोई लाइक पीर पैगंबर हो गए या गुरु हैं। काफ़ी अच्छा है यार, ये देखो ये बेड है, ये काफ़ी लोगों को होस्ट करता है। मैं एक टाइम पर 9 लोगों को होस्ट कर सकता है, उस तरफ भी बेड है। और भाई साहब ने काफ़ी कुछ लगाया हुआ है। अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, सिटी मुझे घुमाएगा थोड़ा मोटा, जाऊंगा मैं उसके साथ में। तो ये सेपरेट रहता है, जो इसकी फैमिली है वो सेपरेट रहती है, इनका एक और घर है वो साथ में ही है। यहाँ पर ये अकेला रहता है अपने दोस्तों के साथ, ऐसे समझ लो इसका अपना प्राइवेट हाउस है ये, किचन वगैरह। तो ये किचन आ गया इस तरफ, और आगे देखो दो बेड यहाँ पर लगे हुए हैं। तो सामने काफ़ी अच्छी पेंटिंग लगी हुई है यार, मुझे बहुत पसंद है ये पेंटिंग भी। चलो अब चलते हैं नीचे। तो मैं अपार्टमेंट के आउटसाइड आ गया और मैं भाई साहब का वेट कर रहा हूँ अपने। उनकी ये कार है यार जिसमें मैं रात आया था ना, आपने देखी थी, तो रात तो अंधेरा था। ये कार है भाई साहब की, काफ़ी अच्छी है यार, लाइक मज़ा आता है यार पुरानी चीज़ों में, प्यार होता है। देखो भाई साहब ने ना जो अपने डॉग्स हैं उनके लिए ये पिछला पोर्शन, यहाँ पर भाई साहब के डॉग होते हैं। अब हम जा रहे हैं शायद बास्केटबॉल के ग्राउंड में, और कहीं देखते हैं कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ लेकर जाएगा हमें। तो ये सर्बिया की ट्रेन आ रही है, मैं दिखाता हूँ। देखो बारिश होने वाली है, ये जो फाटक है ना यार, यहाँ पर ऑटोमेटिक लग जाता है, ये ऐसे लग गया फाटक। और यहाँ पर टाइमिंग चल रही है भी, ट्रेन इतने टाइम में आ रही है, इस साइड से ट्रेन आ रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पीछे। जलो जलो देखो, बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है यार, हमने कार वहाँ पर पार्क कर दी और ये ट्रेन आ रही है। और ये मालगाड़ी है, जैसे हमारे इंडिया में मालगाड़ी होती है ना, ऐसे में भी ये पेट्रोलियम या डीजल की होती है। तो भाई हम बेकरी में आए हैं और ये ऑर्डर किया भाई साहब ने मेरे लिए, पता नहीं क्या है यहाँ का, मैंने तो पिज़्ज़ा मांगा था बैगन, पर यहाँ पर आए हैं। तो भाई बारिश से स्टार्ट होगी, देखो कितनी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू है। देखो पेड़ लगे हुए हैं यार इस साइड, भाई साहब बैठे हैं। और मुझे एक बार और पता चली है यहाँ पर, जो यहाँ पर लोग ना कनक उगाते हैं वो बियर के लिए उगाते हैं, ऐसे नहीं हमारे तो लाइक रोटी खाने के लिए या ब्रेड बनाने, यहाँ पर बियर के लिए उगाते हैं। तो मुझे पहले लगता था कि ये लाइक बेकरी के लिए कनक उगाते हैं, तो ये नई चीज़ मुझे पता चली है। तो थैंक यू, आई फॉरगेट योर नेम। सफिया। ओह, सफिया नेम इज़ पॉपुलर इन पाकिस्तान। सफिया, इट्स नॉट हार्ड टू यू, इट्स नॉट हार्ड टू यू, इट्स नॉर्मल। वेल, यू कैन गेट यूज्ड टू इट। हम घर पर आ गए यार, क्योंकि बारिश कम ही नहीं हो रही थी, और उसके बाद घर आने के बाद फिर स्टार्ट होगी। तो बारिश ने मेरा सभी प्लान चौपट कर दिया। तो अब भूख लगी है यार, लाइक कुछ खाते हैं यार।
तो मैं बनाता हूँ यार कुछ। किचन में आ चुके हैं, मैं बनाऊंगा अंडा भुर्जी और साथ में ट्राई करूंगा कॉफ़ी। कॉफ़ी और दूध तो है, ये लोग शुगर कहाँ पीते हैं, तो अगर शुगर मिल गई तो अच्छा है, वरना ऐसे ही पी लेंगे भाई फिक्की कॉफ़ी, और क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं सब रेडी करता हूँ, चॉप करता हूँ मैं अनियन को और टमाटो को। तो भाई अपनी भुर्जी तैयार होगी अंडों की, और ये साथ में ब्रेड है, जो ब्रेड है ये रोटी के काम आते हैं, सॉरी इंग्लिश में भी तो लाइक रोटी को ब्रेड ही कहते हैं, तो हम भुर्जी के साथ ब्रेड खाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है और पेट भी भर जाएगा। उसके बाद मैं कॉफ़ी पी लूँगा बनाकर, क्योंकि इन भाई साहब को तो शुगर पसंद नहीं, तो अभी मैं बना ही नहीं अभी, तो करते हैं यार अपना यही डिनर खा देगा। तो यार हमने डिनर कर लिया है, जो मेरे साथ वाला था मेरा होस्ट है वो चला गया यार, उसने अपनी दोस्त को मिलना है, और कल को यहाँ पर दो तुर्किश लड़की आएंगी, वो भी ऐसे ही लाइक उनको भी ये काफ़ी लोगों को होस्ट करता है ये सभी बेड होस्ट के लिए, लेकिन लड़कियाँ दूसरे रूम में रहेंगी, तो उसके लिए हमने पहले सफाई की, और अब मैं एडिटिंग करूँगा ब्लॉग, तो ब्लॉग भी तो देखना है ना यार, तो एडिट करने बैठते हैं ब्लॉग, फिर मिलते हैं एडिट कर कर आपको। रात के बज चुके हैं दो, मैंने तीन चार ब्लॉग एडिट कर दिए और भूख लगी यार, तो मैंने बनाई है कॉफ़ी देखो और साथ में ब्रेड, क्योंकि यार थोड़ा सा यार पर नींद आ जाती है ना, तो कॉफ़ी पीनी पड़ती है। बाकी यार जो मेरा होस्ट अभी तक नहीं है, लगता है गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहा है। अच्छा टेस्ट आज का ब्लॉग गाइस इतना ही था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मैंने एडिटिंग फिनिश कर दी, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करें।